सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के संग ये ख़त्म हो गया निज़ाम का अपना रूल स्टैम्प्स योगा के ऊपर इशू किए हुए हैं। हैदराबाद स्टेट से बॉम्बे पोस्ट किया गया है। आपको डुअल फी पे करनी पड़ती थी, निज़ाम को भी आप पोस्टल चार्जेस पे करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पोस्टल चार्जेस पे करते थे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी हर्षल, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक और एग्जॉटिक कलेक्शन स्टैम्प्स का। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैं गया था रमाकांत सर के यहाँ और उनका स्टैम्प्स का कलेक्शन मैंने आप सभी को दिखाया था। आज मैं अपने होम टाउन पीलीभीत में ही विक्रम सक्सेना जी के यहाँ आया हूँ और ये बहुत ही लंबे समय से स्टैम्प्स का, बैंक नोट्स का, कॉइन्स का कलेक्शन करते हुए आ रहे हैं। विक्रम जी, थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करने के लिए। वेलकम सर। मैं आपको बता दूँ कि विक्रम जी, जैसा मैंने बताया, बहुत लंबे समय से स्टैम्प्स का कलेक्शन तो कर ही रहे हैं और नेशनल लेवल पे भी कई एग्जिबिशंस में अपने कलेक्शन को एग्जिबिट कर चुके हैं और पीलीभीत के लिए कई मेडल्स भी जीत चुके हैं। तो आज ये वीडियो हम शुरू करते हैं और विक्रम जी की जर्नी के बारे में और उनके कलेक्शन के बारे में विक्रम जी से ही बात करते हैं। जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करता हूँ, मेरे पास दो इंटरनेशनल मेडल्स भी हैं जी। बाली पैक्स में मुझे दो ब्रॉन्ज मेडल्स मिल चुके हैं। और जहाँ तक मेरे कलेक्शन की बात है, मैं लगभग 20 साल से कलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब एक चाइल्डहुड एज में ही मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था कलेक्शन स्टैम्प्स का। और मुझे उस समय उतनी नॉलेज नहीं थी, जब धीरे धीरे समय के संग थोड़ी सी नॉलेज आएगी, कैसे एग्जिबिट्स बनते हैं, कितना क्या उसका तरीका है, किस तरह से एग्जिबिट्स बनाए जाते हैं, किस तरह से इनको एग्जिबिशंस में लगाया जाता है, इसको थोड़ा सा सीखने में मुझे समय लगा। अगर उसकी बात करें कि मैंने एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन जो स्टार्ट किया, वो लगभग 10 साल से मैं कर रहा हूँ। ओके। बाकी मेरे पास लगभग 110 देशों के स्टैम्प्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के। इंडिया के भी कई एग्जिबिट्स हैं मेरे पास। मेरे पास जो अवार्ड विनिंग एग्जिबिट्स हैं, उसमें मुझे गांधी एग्जिबिट पे अपने अवार्ड मिला है। और मेरे पास हैदराबाद स्टेट का जो कलेक्शन है, उस पे मुझे अब तक का मेरा सबसे बड़ा मेडल कह सकते हैं कि लार्ज सिल्वर नेशनल लेवल पे मिला है। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है ये। और हम सब पीलीभीत वासियों के लिए भी ये गर्व की एक बात है कि आपने हमारे लिए एक मेडल जीता। अच्छा विक्रम जी, आप ये बताइए, आपको ये कलेक्शन करने की इंस्पिरेशन कैसे मिली? आपने बताया 20 साल पहले आपने कलेक्शन करना स्टार्ट किया, इसकी इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली, इसकी जर्नी कैसी रही है? सबसे पहले मैंने अपने मामा एडवोकेट AK जौहरी जी के पास स्टैम्प्स का कलेक्शन देखा जी। वहाँ से मुझको इसमें इंटरेस्ट आया कि स्टैम्प्स कलेक्ट करने चाहिए। धीरे धीरे उसी को आगे बढ़ाता गया और जितने भी मिलने वाले थे जिन पे कलेक्शन कुछ ना कुछ था, तो वो भी अपना गिफ्ट मुझे, कलेक्शन अपना गिफ्ट बाद में करते रहे। ओके। मामा जी का भी पूरा कलेक्शन मुझे मेरे पास है, एकाध और मेरे मिलने वाले हैं उनका भी कलेक्शन मेरे पास है। तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपने बताया कि आपने शायद 6 या 7 साल से ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया और तभी से ही आपने एग्जीबिशन स्टार्ट किया। हाँ, पहली एग्जीबिशन मैंने 2012 में लखनऊ में अटेंड की थी, पर उस समय मेरा जो कलेक्शन था वो उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं था कि मैं उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाऊँ। बट मैंने पार्टिसिपेट किया था, बट कोई अवार्ड उसमें मुझे नहीं मिला था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ विक्रम जी का कलेक्शन देखने के लिए। और विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग शुरू करते हैं विक्रम जी का कलेक्शन देखना। तो चलिए। तो मैं अपने कलेक्शन संग आपके संग आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि हम चल रहे हैं कि कैसे कलेक्शन करना है, तो इसमें कई वेराइटीज़ होती हैं, कई चीज़ें होती हैं कि जैसे स्टैम्प्स हैं, पोस्ट कार्ड्स हैं, फर्स्ट डे कवर्स हैं, इसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जिसको हम अलग अलग थीम्स के संग कलेक्ट करते हैं। हम कोई भी एक थीम चूज़ कर लेते हैं कि जैसे सपोज़ गांधी का कलेक्शन है मेरा, मैंने गांधी को ऑप्ट किया है अपने कलेक्शन के लिए, तो जो भी चीज़ वर्ल्ड वाइड गांधी पे स्टैम्प्स, कवर, एनवलप्स, ये सब चीज़ें हैं, वो इस कलेक्शन में हैं। विक्रम जी, थोड़ा फिलेटली के बारे में बताइए। ये जो किंग ऑफ हॉबीज़ है, फिलेटली को बोला जाता है और इसमें स्टैम्प्स का कलेक्शन होता है, तो स्टैम्प्स के अलावा और क्या क्या चीज़ों का भी कलेक्शन होता है इस हॉबी में? इस हॉबी में हम जब कलेक्ट करते हैं तो स्टैम्प्स होते हैं। स्टैम्प्स जिस दिन इशू होता है उस दिन एक फर्स्ट डे कवर इशू होता है, वो भी एक कलेक्शन का ही पार्ट है। प्लस पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड्स, इंटरनेशनल एनवलप्स, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इन सबको आप कलेक्ट कर सकते हैं अपनी थीम के अकॉर्डिंग। ओके। तो इन सभी चीज़ों का कलेक्शन आपके पास है? जी बिल्कुल, आपको हर तरह की चीज़ मेरे पास देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर हम गांधी की बात करें तो इस पेज पे आप मेरे पास देख सकते हैं कि कुछ पोस्ट कार्ड्स लगे हैं, एक एनवलप लगा है जी। तो ये इन दो पोस्ट कार्ड्स पे स्पेशल कैंसिलेशन है जो गांधी से रिलेटेड है। ओके। और नीचे एक स्पेशल कवर है जो गांधी से रिलेटेड एक इवेंट पे इशू हुआ है। ओके। तो ये जो एग्जिबिट आपने बनाया है, ये आपने खुद पूरा डिज़ाइन किया है जी? इसमें इसकी जो भी हम आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में डिटेलिंग करनी होती है। ओके। और उसको पूरा एक पेज में तैयार करना होता है।
और ये एग्जिबिट रेडी है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपका ये गांधी जी के ऊपर पूरा इसका टाइटल आप देखेंगे तो गांधी एंड हिज लाइफ, इसको हम मैंने गांधी और उसकी पूरी लाइफ के ऊपर उनके इसको तैयार किया है। जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं जी, तो इसमें एक मिनीचर शीट होती है जो एक ग्रुप ऑफ स्टैम्प्स मीन्स 5 या 6 स्टैम्प्स का एक शीट पूरी बनती है, जिसको आप इसमें देख पा रहे हैं। ये मॉरिशियस पे मॉरिशियस का है, ये गांधी के ऊपर मॉरिशियस में इशू किया गया है। और नीचे वाली जो हम नेचर शीट देख रहे हैं ये युगांडा की है। गांधी एक ऐसी शख्सियत है जिनके ऊपर लगभग 100 देशों ने स्टैम्प्स और अलग चीज़ें इशू की हैं। अच्छा, ये फैक्ट तो मुझे पता नहीं था, गांधी जी के ऊपर 100 से ज़्यादा देशों ने इशू किए हैं स्टैम्प्स इशू किए हैं जी। तो ये जो इस पेज पे जो आप स्टैम्प्स देख रहे हैं, ये स्टैम्प कजाकिस्तान का इशू है और ये ब्राज़ील का इशू है। इसी तरह इस पेज पे हम चलेंगे तो ये एंटीगुआ और बारबुडा के स्टैम्प्स हैं। ये 4 स्टैम्प्स का एक सेट गांधी जी पे वहाँ इशू किया गया है। एक जॉइंट इशूज़ नाम के भी स्टैम्प्स होते हैं जो 2 कंट्रीज़ एक साथ मिलकर इशू करती हैं। जैसे कि इस पेज पे आप देख रहे हैं तो लगभग एक सा ही शीट है, बट एक थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है और एक छोटा है जी। तो जो बड़ी शीट है ये इंडिया में इशू हुई है और छोटी शीट जो है ये साउथ अफ्रीका में इशू हुई है। रेयरिटी की क्या डेफिनेशन है फिलेटली में, स्टैम्प्स कलेक्शन में? मतलब रेयर क्या होता है, क्या रेयर नहीं होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। रेयर वो चीज़ है जो बहुत ही कम इशू हुई और उस लोगों के पास है। इसमें कुछ स्टैम्प्स भी होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, कुछ कभी कभी एरर्स आ जाती हैं, वो इशू थोड़ा सा रेयर हो जाता है। जैसे कि अगर आप मेरे इस पेज पे देखेंगे, एक पोस्ट कार्ड ऊपर लगा है जिसकी कटिंग गलत हुई है। तो ये आइटम रेयर है जो बहुत लोगों के पास नहीं होगा। हाँ, ये टॉप राइट कॉर्नर में जो कट हुआ है, अगर आप देखेंगे जी, तो ये यहाँ पे से कट गलत है। क्या स्टैम्प्स को भी किसी स्पेसिफिक अमाउंट में इशू करती है गवर्नमेंट? इसकी एक लिमिट होती है जिसका एक स्पेसिफिक अमाउंट हर शीट के पैक पे लिखा होता है कि कितना अमाउंट इसका इशू किया गया है। तो उस हिसाब से भी रेयरिटी डिसाइड हो सकती है, हो जाती है। अगर इसी तरह चले तो एक ये 10 रुपए का स्टैम्प यहाँ पे लगा है 1948 का। हाँ जी, ये भी बहुत रेयर इशू में आता है क्योंकि 1948 में 10 रुपीस की बहुत वैल्यू थी जी, इसलिए ये स्टैम्प बहुत रेयर माना जाता है। इसकी अगर आज के दौर में मार्केट वैल्यू पूछा जाए या लोग लेने जाएंगे तो लगभग 10,000 रुपए का ये स्टैम्प माना जाता है। चलिए हर्षल जी, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ अपने कलेक्शन में से। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हम 1947 से पहले ब्रिटिश रूल के अंडर में थे जी। इसी में हर कई सारी स्टेट्स भी थी, ऐसा सभी लोग जानते हैं। उसमें से एक स्टेट हैदराबाद स्टेट थी। वहाँ के निज़ाम का अपना प्राइवेट पोस्टल सिस्टम था जो उसकी ज्यूरिडिक्शन में या उसके एरिया में चलता था। उसके अपना पूरा प्राइवेट पोस्ट ऑफिसेस थे, उनके अपना सिस्टम था, अपने स्टैम्प्स थे जी, पूरा सिस्टम अपना था। उस पर मेरा एक पूरा एग्जिबिट है 5 फ्रेम्स का। जिसको एक फ्रेम में जैसा कि 16 पेजेस होते हैं, तो 80 पेजेस का मेरा पूरा फ्रेम एग्जिबिट है, वो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। प्राइवेट पोस्टल सिस्टम था निज़ाम का? निज़ाम का प्राइवेट पोस्टल सिस्टम था। तो ये काफ़ी यूनिक और रेयर हुआ। ये काफ़ी रेयर है और आपको आसपास के क्षेत्र में किसी के पास भी देखने को एरिया में नहीं मिलेगा। सबसे पहले इस पर देखते हैं, ये 2 एनवलप्स हैं जो निज़ाम के प्राइवेट यूज हैं जी। इस पर निज़ाम की अपनी जो स्टेट की मोहर होती है, जैसे हमारा एम्बल आजकल मानते हैं अशोक की लाट जो है वो हमारा एम्बल है, इसी तरह ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये निज़ाम का अपना सिंबल है। इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो ये निज़ाम का हैदराबाद स्टेट का फर्स्ट इशू है। ये 3 कलर्स में है, फर्स्ट, एक सेकंड और एक यहाँ ब्लू कलर का एक पेज पे जो स्टैम्प लगा है। ये फर्स्ट इशू है। इसी तरह एक इसमें यूनिक या रेयर आइटम ये भी है कि कुछ स्टैम्प्स की वैल्यू को इंक्रीज करते और डिक्रीज करते हुए ओवर प्रिंट्स निकाले जाते थे। अगर आप इसी तरह इस स्टैम्प को देखेंगे तो इस पे ओवर प्रिंट इन्वर्ट है, उल्टा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो ये एक शीट आपको दिख रही होगी जिसपे डिफरेंट स्टैम्प्स हैं जी। ये 6th इशू है निज़ाम का
ओके ये एक शीट एज अ गिफ्ट निज़ाम ने सबको दी थी. अच्छा उसी में से एक ये पीस. कौन से ईयर का होगा ये? ये 1931 का है. 1931 के स्टैम्प से. स्टैम्प से. ओके जैसा कि मैं भी आपसे बात कर रहा था कि फर्स्ट डे कवर्स भी इसमें होते हैं. हाँ जी ये निज़ाम की ही स्टेट के अपने जो पोस्टल सिस्टम है उसके फर्स्ट डे कवर्स हैं. अच्छा जी. ओके ये भी काफ़ी यूनिक है. मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ. वो 10th इशू है और इसी तरह ये 11th इशू का फर्स्ट डे कवर है. ओके 11th इशू की ही ये पूरी शीट लेट है. 11th इशू की ये. हाँ. हैदराबाद निज़ाम की. ओके इसमें पूरा इस कितनी बड़ी एक शीट छपती है टोटल स्टैम्प्स की ये पूरी है. तो ये भी काफ़ी कलेक्टेबल आइटम है और आज तो ये मिलना भी मुश्किल है. ये बहुत ही रेयर आइटम्स हैं जी. जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि निज़ाम पोस्टल सिस्टम की, निज़ाम्स का रूल लास्ट मुग़ल एरा मीन्स 1700 से स्टार्ट हो गया था जी और ये 90s में 48-47 तक इनका रूल अपने चलता रहा. ओके पैरेलली ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी तब भी और इंडिपेंडेंट इंडिया में भी और इसी पीरियड में इनका पोस्टल सिस्टम था. इनका पोस्टल सिस्टम भी चलता रहा. ओके जब ब्रिटिशर्स थे तब इनके सिस्टम से मीन्स हैदराबाद से अगर बाहर पोस्टेज भेजनी होती थी जी तो उस पर डुअल सिस्टम यूज होता था. सपोज इंटरनेशनल भी नहीं अगर दिल्ली भी पोस्ट भेजनी थी हैदराबाद से निज़ाम के पीरियड में तब उस पर डुअल पोस्टल सिस्टम यूज होता था. ओके फॉर एग्जांपल इसमें सबसे ऊपर जो एक एनवलप लगा है जी ये हैदराबाद स्टेट से बॉम्बे पोस्ट किया गया है. ओके इसमें विक्टोरियन इरा का एनवलप यूज है और प्लस स्टेट का स्टैम्प लगा हुआ है. अच्छा मीन्स आपको डुअल फी पे करनी पड़ती थी. निज़ाम को भी आप पोस्टल चार्जेस पे करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पोस्टल चार्जेस पे करते थे. इसी तरह अगर आप नीचे देखेंगे तो जो और एनवलप्स हैं इसमें जॉर्ज सिक्स और विलियम सेवन के स्टैम्प्स हैं और संग में निज़ाम के स्टैम्प्स हैं. राइट ये डुअल पोस्टल सिस्टम के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था और थैंक यू आपने इसके बारे में मुझे भी बताया. मेरे लिए भी एक नई लर्निंग है ये. सिमिलरली जब हम डुअल पोस्टल सिस्टम की बात करते हैं तो डुअल रेवेन्यू भी पे करने की भी बात आती है जी. इस हुंडी को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक हैदराबाद निज़ाम का स्टैम्प है और साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टैम्प है. ओके जब हम जैसे रेवेन्यू पे करते हैं कुछ भी खरीदते हैं तो आजकल स्टैम्प ड्यूटी जो पे करनी पड़ती है जी ये उसका एग्जाम्पल है. ओके जैसा कि अभी बात हम कर रहे हैं कि डुअल पोस्टल सिस्टम था तो वहाँ पे इन स्टेट भी जब बाहर से पोस्टेज आती थी तो उसको भी इस तरह से यूज़ किया जाता था. ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पोस्ट कार्ड्स हैं जिसपे कैंसिलेशन हैदराबाद स्टेट का है. अच्छा ये भी अपने आप में काफ़ी यूनिक है एंड इट इज़ वेरी कलेक्टेबल. इसी तरह एक रेयर आइटम ये भी होता है कि जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया और पार्टीशन हो गया जी तो कुछ पोस्टेज ऐसी भी मिलती है जो पाकिस्तान स्टैम्प्स और हैदराबाद स्टैम्प का कॉम्बिनेशन मिलता है पर वो अभी मेरे कलेक्शन में नहीं है. मैं उसका वेट कर रहा हूँ शायद वो मुझे कहीं मिल जाए. आई एम श्योर जल्दी ही आप अपने कलेक्शन में ऐड करेंगे उसे. फिर एक लास्ट आइटम मैं आपको दिखाता हूँ इस स्टेट से रिलेटेड कि जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो उनकी जो प्रिंटेड स्टेशनरी और एनवलप्स थे उनका क्या हुआ जी. उनको ओवर प्रिंट करके इंडिया पोस्टेज के नाम से यूज़ किया गया. जब सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के संग ये ख़त्म हो गया निज़ाम का अपना रूल और सब इंडिया गवर्नमेंट हो गई तब जो उनकी पोस्टल स्टेशनरी प्रिंटेड थी उसको ओवर प्रिंट विद इंडियन पोस्टल सिस्टम यूज़ किया गया. आपके okay. हाथ में जो है वो एक पोस्ट कार्ड है. मैं उसी तरह का एक एनवलप भी आपको दिखाता हूँ जो थोड़ा सा रेयर भी है क्योंकि इसमें कुछ एरर्स भी हैं. एरर क्या होता है कि कभी भी प्रिंटिंग सिस्टम में कुछ गलती जब हो जाती है तो वो एरर है जो जी. बहुत ही रेयर मानी जाती है जो एक बहुत ही कलेक्टेबल आइटम होता है क्योंकि ये मिलना या होना बहुत रेयर है और बहुत ही कम संख्या में एरर. क्या इस तरह का कोई स्टैम्प भी है आपके पास? जी स्टैम्प्स हैं.
अगर आप मेरे कलेक्शन का ही पार्ट है बट वो उस समय लगा हुआ नहीं है, इसमें आप देखेंगे तो एक उर्दू में ओवर प्रिंट है सरकारी, जो उल्टा प्रिंट हो गया है जी। सरकारी का मतलब ये होता था कि ऑफिशियल स्टैम्प्स जब गवर्नमेंट के लिए यूज़ करते थे, जैसे हम लोग सर्विस स्टैम्प्स देखते हैं आजकल, तो वो सरकारी स्टैम्प है, मतलब गवर्नमेंट यूज़ के लिए है, इसमें सरकारी वर्ड उल्टा प्रिंट हो गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हुए हर्षल जी मैं आपको रिपब्लिक इंडिया के स्टैम्प्स दिखवाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे जो मेरे पास एल्बम रखी है ये 2013 से उसके बाद के सारे नए इश्यूज इस एल्बम में मेरे संग लगे हुए हैं। जनरली लोग ये पूछते हैं कि ये स्टैम्प्स कैसे मिलेंगे, तो मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा। हाँ, एक ये क्वेश्चन भी है कि अगर कोई बिगिनर है और इस हॉबी में एंटर करना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की, तो वो क्या करें, उसके लिए आप थोड़ा सा बताइए। जी, उसी क्रम में मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए एक PDA अकाउंट होता है जो फिल्टेलिक ब्यूरोज में खुलता है। सबसे नियरेस्ट फिल्टेलिक ब्यूरो हमारे बरेली में है जी। मेरा PDA अकाउंट लखनऊ फिल्टेलिक ब्यूरो के साथ है। वहाँ से हर 6 महीने में एक पोस्ट आती है जिसमें हम जितने भी नए इश्यूज हैं उन लास्ट सिक्स मंथ्स के वो हमें पोस्ट करते हैं। वो कुछ इस तरह के एक एनवलप में मुझको मिलती है जी। एक ये ऑफिशियल एनवलप है गवर्नमेंट का, उसके अंदर सारे स्टैम्प्स, उनकी डिटेल्स ये साथ में आते हैं। ओके, तो ये अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवाना है? पोस्ट ऑफिस में खुलना है, लेकिन हमारे हर पोस्ट ऑफिस में वो नहीं खुल सकता है। अच्छा। जहाँ पे फिल्टेलिक ब्यूरो जिस पोस्ट ऑफिस में होगा, फिल्टेलिक ब्यूरो होगा, वहीं पर ये अकाउंट ओपन हो सकता है। ये देखिए, ये इस टाइप से दो स्टैम्प्स जुड़े हुए होते हैं, इसको सी टेनेंट पेयर कहा जाता है। ओके, क्या बोला जाता है? सी टेनेंट पेयर। अच्छा, स्टैम्प्स भी दो तरह के होते हैं, एक कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स होते हैं, एक डेफिनेटिव सीरीज होती है। अगर आप मेरे राइट हैंड साइड के पेज पे देखेंगे तो ये जितने भी स्टैम्प्स हैं ये कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स हैं। ओके, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो जितने भी स्टैम्प्स हैं ये डेफिनेटिव सीरीज है। इसमें ये रेगुलर चलते हैं, 5-7 साल तक एक सीरीज रेगुलरली प्रिंट होती है जो यूज़ में आती है जी, और इनको जनरली पोस्ट के संग यूज़ किया जाता है। और जो कमेमोरेटिव स्टैम्प्स होते हैं ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए, 1 साल के लिए इशू किए जाते हैं और एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं। कभी कभी किसी स्पेशल मोमेंट पे कुछ डिफरेंट शेप्स के भी स्टैम्प्स होते हैं। जो मेरे हाथ में स्टैम्प आप देख रहे हैं ये राउंड शेप में स्टैम्प है, ये गांधी जी पे इशू किया गया है। ओके, ये जो एल्बम में स्टैम्प्स हैं ये ईयर वाइज लगे हुए हैं, तो ये आपने ईयर वाइज लगा स्टैम्प्स को अरेंज किया हुआ है। ओके, दोस्तों ये था विक्रम जी का स्टैम्प्स का कलेक्शन, और बहुत ही रेयर आइटम्स हमको आज इस वीडियो में देखने को मिले। और मैं तो अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैंने हैदराबाद निज़ाम के और भी इंडिया के जो रेयर स्टैम्प्स मैंने आज देखे वो शायद मैंने पहले कभी देखे नहीं और आगे किसी और के पास देखने को मिलेंगे भी नहीं। बट एनीवे, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज की जनरेशन ने तो घर पे कुरियर्स पैकेट्स तो आते बहुत देखे हैं, हम लोग के पास ई कॉमर्स से पैकेट्स आते हैं, लेकिन लेटर्स आते हुए इस जनरेशन ने नहीं देखे हैं। हम लोगों ने अपने बचपन में, हमें ध्यान है, हम लोगों ने लेटर्स आते हुए देखे थे। पोस्ट ऑफिस से हम लोग स्टैम्प्स लेके आते थे, उनको लेटर के ऊपर स्टिक करते थे, लेटर बॉक्स में डालते थे। ये वाला जो एरा था ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं निकल चुका है, और आज की जनरेशन को स्टैम्प्स के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है जो पहले हम लोगों ने देखा था अपने बचपन में। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? इवन आज की जनरेशन को पोस्ट ऑफिस के बारे में भी कोई अवेयरनेस नहीं है। ओके, क्योंकि वो लोग पोस्टल सिस्टम के लिए जाते हैं तो कुरियर सर्विस पे जाते हैं, और अगर बैंकिंग सिस्टम के लिए जाते हैं तो उनके पास बैंक है और मोबाइल बैंकिंग अवेलेबल है। तो जैसा मैंने देखा कि आज की जनरेशन को पोस्टल सिस्टम या पोस्ट ऑफिस से कतई भी अवेयरनेस नहीं है। जो हॉबी है स्टैम्प्स के कलेक्शन करने वालों का जो नंबर है वो कम हो रहा है। बिल्कुल, समय के साथ साथ ये नंबर लगातार कम ही हो रहा है, और हम आजकल की एग्जीबिशन से देखते हैं कि नई जनरेशन इसमें ना पार्टिसिपेट कर रही है ना उसे कोई इंटरेस्ट है। ओके, जैसे कि हर साल एक नया एग्जीबिशन होती है, अपकमिंग एग्जीबिशन बरेली में अक्टूबर या नवंबर में ऑर्गेनाइज होने वाली है जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं।
आप भी चलिएगा हर्षल जी हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन स्कूल्स की तरफ से कोई इंटरेस्ट बच्चों का नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आप वहाँ एग्जीबिशन में जब जाते होंगे तो आप देखते भी होंगे कि जो पार्टिसिपेट करने आते हैं वो भी एज ग्रुप अलग ही रहता होगा। वो भी एज ग्रुप अलग ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो मुझसे भी सब सीनियर्स ही हैं वहाँ। जहाँ तक इसकी बात करें एग्जीबिटर्स की या पार्टिसिपेट करने वालों की, तो सब यंगस्टर्स में मैं आता हूँ, जबकि मेरे भी अच्छी खासी एज है, बट वहाँ पे यंगस्टर्स ही माने जाते हैं हम लोग। राइट, थैंक यू सो मच विक्रम जी, आपने इतना टाइम दिया और अपना कलेक्शन दिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, क्योंकि ये कलेक्शन भी देखने के लिए लोगों को थैंक यू बोलना पड़ता है। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू।